हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रेडल कैप इस टॉपिक के बारे में। अब आप पूछेंगे क्रेडल कैप क्या होता है। क्रेडल कैप का मतलब होता है बच्चे के सर में, स्कैल्प में छोटी छोटी पापड़ी जैसे फॉर्म होना, उसे हम कहते हैं क्रेडल कैप। ये ज़्यादातर 3 महीने के बच्चों से लेकर थोड़े बच्चे बड़े बच्चों में भी पाया जाता है, पर ये खुद ही जब भी आता है तो ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट हमें अपने तरफ से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद अपने से चले जाता है कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी हम अपने बच्चों के साथ ऐसा होता देखते हैं, जब उनके बाल में क्रेडल कैप फॉर्म हुआ देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम उनके बालों का ख्याल अच्छे से नहीं रख रहे हैं, शायद हम उनकी पर्सनल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से बच्चों के बाल में, स्कैल्प में ये गंदगी फॉर्म हो गई है, तो हम उसको स्क्रैच करने पे के पीछे लगे होते हैं या उसे क्लीन करने के लिए लगे होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें उसे देखकर हमारी टेंडेंसी ऐसी हो जाती है कि हम हमेशा चाहते हैं कि उसे स्क्रैच करके निकालें। जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको दूंगी, वहाँ पर जब मैंने मेरे बेबी को जब ये हुआ था तो उस वक्त मुझे हमेशा ऐसा लगता रहता था कि मैं उसे स्क्रैच करके निकालूं और कैसे भी उसे उस गंदगी को मेरे बच्चे के बाल से हटा दूं। बट असल में क्रेडल कैप के लिए हमें ऐसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये क्रेडल कैप किसी पर्सनल हाइजीन में प्रॉब्लम होने के वजह से नहीं है। आप अपने बच्चों को अच्छे साफ सफाई से नहीं रख रहे हैं या आप अपने बच्चों के बालों का ख्याल अच्छे से नहीं रख रहे हैं, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है क्रेडल कैप फॉर्म होने का। रिसर्च ये कहता है कि क्रेडल कैप होने का रीज़न ये है कि बच्चे के बाल में ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ड्राइनेस होना, इसके वजह से स्कैल्प में ये छोटे छोटे पापड़ी जैसे फॉर्म हो जाते हैं। कुछ रिसर्च ये भी कहता है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त माँ के पेट से बच्चे के बॉडी में कुछ हार्मोन्स ट्रांसफ़र होते हैं और ये हार्मोन्स के इफ़ेक्ट के वजह से बच्चों के सर पे ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होता है, जो बच्चों के सर में ये सूखी पापड़ी बनाते हैं जिसे हम क्रेडल कैप कहते हैं। तो आपको जो है इसे बहुत ज़्यादा इसको लेकर सोचकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही नॉर्मल हेयर रूटीन करना काफ़ी है, बेसिक हेयर रूटीन फॉलो करना काफ़ी है। आपको कब टेंशन लेने की ज़रूरत है, जब ये सूखी पापड़ियाँ कई बार बच्चों के नाक में जहाँ पे हेयर होता है वहाँ, या कान में, या फिर कई बार आईलिट्स में, या फिर कई बार उनके ग्रोइन एरिया में, मतलब दो थाइस के बीच में, वहाँ पर सूखी पापड़ी बन जाती है। तो ऐसे सब जगह में जब ये फैलता है, स्प्रेड होता है, तब आपको चिंता करने की ज़रूरत है। और आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन सूखी पापड़ियों में से बच्चे को किसी प्रकार की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है या ये बच्चे के बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में स्प्रेड तो नहीं हो रहा, ये चीज़ों का ध्यान आपको देना है। इसके अलावा आपको और कोई चीज़ों के बारे में सोचकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जानते हैं कि अगर ये सूखी पापड़ी आपके बच्चे के सर पे आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो हमें फॉलो करना है, आप कोई भी एक नॉर्मल ऑयल ले लीजिए, बेसिकली कोकोनट ऑयल ले तो ज़्यादा अच्छा है, कोकोनट ऑयल बालों के लिए अच्छा माना जाता है, या मिक्स्ड ऑयल ले सकते हैं, बेबी ऑयल ले सकते हैं, पर हम अपने बच्चे के लिए कोकोनट ऑयल प्रेफर करते थे। तो हमने ऐसा कोई भी ब्रांड स्पेसिफिकली हमने यूज़ नहीं किया, कोकोनट ऑयल हम बच्चे के सर पे लगाते और जनरली हम प्रेफर करते कि बच्चे के नहाने के आधे घंटे पहले हम उसके हेयर के रूट्स तक अच्छे से हाथों से धीरे 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 आपको मसाज करना है। और मसाज करने के बाद आपको बच्चों का हेयर कॉम्ब आता है जिसके ब्रशेस बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो उससे जो है आपके बच्चे के सर पे धीरे धीरे स्ट्रोक्स लगाकर आपको उसके बाल में कॉम्बिंग करनी है। इससे क्या होगा, जब आप ऑयलिंग करते हैं तो
तो वो स्केल्स ऑलरेडी थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। तो जब आप कॉम करते हैं उसके बाद तो वो आसानी से ये फ्लेक्स निकल जाते हैं। असल में ये क्रेडल कैप जब बच्चों को होता है तो बच्चों को किसी प्रकार की इचिंग या डिस्कम्फर्ट कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब हम एज अ पेरेंट क्रेडल कैप अपने बच्चों के सर पे देखते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हमें हमेशा ये टेंडेंसी होती है कि या तो हम इसे स्क्रैच करके निकाल दें या तो हम उसे कुछ भी करके कैसे भी सॉल्व करें ताकि इतनी गंदगी बच्चे के सर पे ना दिखे। क्योंकि असल में जब हम एक नज़र में देखते तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे के सर पे भर के गंदगी है, पर असल में ये गंदगी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चों के लिए तो ये डिस्कम्फर्ट नहीं है, लेकिन अगर हम उसे स्क्रैच करके निकालेंगे या ज़बरदस्ती हेयर कॉम्बिंग करके उसे ज़बरदस्ती बिना ऑयलिंग के निकालने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे को दर्द हो सकता है या बच्चे के सर से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको नॉर्मल रूटीन फॉलो करना है। ऑयलिंग कीजिए, ऑयलिंग करने के बाद हेयर कॉम्बिंग करके आप उस केस को निकाल सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल माइल्ड हो, उस शैम्पू को यूज़ करके अच्छे से आप बच्चे के बाल को धोकर निकाल दीजिए। ये रूटीन आपको कुछ टाइम तक फॉलो करना है। जैसे ही आप कुछ टाइम तक फॉलो करेंगे तो ये क्रेडल कैप अपने आप कुछ दिन में चले जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको कोई स्पेशल रूटीन फॉलो करने की या स्पेशल मेडिसिन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इस बात को सोचकर टेंशन ना लें कि बच्चे को ये तकलीफ़ देगा, बच्चे को ये कोई तकलीफ़ नहीं देता अनटिल एंड अनलेस ये बच्चे के बॉडी में स्प्रेड नहीं हो रहा। तो आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक रूटीन फॉलो कीजिए। मैं कोई स्पेशल ब्रांड आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, मैंने जो फॉलो किया वही मैं आपको बता रही हूँ। हम अपने बच्चे के ऊपर कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं और उसके बाद हेयर ब्रशिंग करके हम कुछ स्केल्स को निकाल देते हैं, बाकी स्केल्स जो है शैम्पू करते समय निकल जाता है। पर ये एक सिटिंग में नहीं होता, ये आपको कुछ दिन तक इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा ताकि जब तक बच्चे के बाल से क्रेडल कैप पूरी तरह से चले ना जाए। बट प्लीज़ प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ उसे बच्चों के सर से स्क्रैप करके या ज़बरदस्ती बिना ऑयलिंग किए हेयर कॉम्बिंग करके मत निकालें। ये बच्चों के लिए डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा या ब्लीडिंग भी कॉज करेगा, तो प्लीज़ ऐसा करने से अपने आप को रोकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि क्रेडल कैप कोई बीमारी नहीं है, इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है जो आप घर पर बैठे ही कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।